20 दिन और नीचे भी मेरा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक, क्या हाल है आप सबका। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। तो आज मैं आप लोगों के साथ आप लोगों की मोस्ट डिमांडिंग रिक्वेस्ट पूरी करने आई हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि फेस पे क्या लगा रही हैं, इतना शाइन करता है। तो मैं जो है पिछले कुछ दिनों से ना एक बहुत ही क्या देखे, शायद आप लोगों को पता हो, यूट्यूबर है, मैं उनका नाम मेंशन नहीं करूँगी, बट उन्होंने एक फेस पैक बताया था और मैं जो है वो फेस पैक अपने फेस पे अप्लाई कर रही थी बहुत दिनों से। क्या हुआ तो बहुत दिनों पहले मैं अप्लाई कर रही थी, तो मैंने कहा पहले मैं जो है उसका रिजल्ट देख लूँ, देन फिर उसके बाद जो है आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि कैसा जो है उसका रिजल्ट है। बड़ा ज़बरदस्त रिजल्ट है, अमेजिंग रिजल्ट है। काफ़ी दिनों से मैं अप्लाई कर रही थी और फेस पे शाइनेस आप देख सकते, इतनी स्मूथ स्किन हो गई थी ना मेरी इसको यूज़ करने से। अच्छा वो है ये, अच्छा अब आप सोचोगे इसके अंदर वो मैंने फेस पैक बनाया हुआ है और उसको मैं इसको अच्छे तरीके से जो है वो कर रही हूँ, क्योंकि ये देखिए। अच्छा अब आपने करना क्या है, आपने थोड़े से चावल लेने हैं, लाइक जैसे ये है, इसको 2 टेबल कर ले, ठीक है ना। 2 चम्मच आपने, 2 चम्मच आप लोगों ने चावल लेने हैं, इनफ हो गया, ठीक है। इसके बाद आपने उस चावलों को अच्छे तरीके से बॉईल कर लेना है, ओके। बॉईल करने के बाद अब देखें, इतने थोड़े से चावल ग्रैंड तो होंगे नहीं, तो आपने क्या करना है, आपने फिर ऐसी कोई कुंडी ले लेनी है, तो उसके अंदर आपने इसको पीस देना, इसका पेस्ट बनाना है। अच्छा अगर आपके पास ये नहीं है तो कोई बात नहीं, आप लोग उसको चम्मच से भी ऐसे ऐसे कर सकते हैं, बच्चों के साथ बहुत मुश्किल, चम्मच के साथ कर सकते हैं, वरना तो अपने हाथों के साथ उसको जो है आप लोग कर सकते हैं। चावल उनको धो लें, पुश कर लें, वो कर लें, ठंडा कर लें, ठीक है। अपने हाथों के साथ कर सकते हैं, चम्मच के साथ कर सकते हैं पहले। तो खैर मेरे पास तो ये चीज़ थी, तो मैंने इसके साथ इसका पेस्ट बना लिया। पहले मैं इसका पेस्ट बनाऊंगी, हमने इसका पेस्ट बहुत अच्छा, जब आपको लगे कि ये बहुत ज़्यादा थिक हो रहा है ये देखे, ठीक है ना, तो आपने इसके अंदर थोड़ा सा रॉ मिल्क ऐड कर देना है, कच्चा दूध, ओके। कच्चा दूध जो होता है आपने इसके अंदर थोड़ा सा वो ऐड इसके अंदर अपने कर देना है, और देन फिर उसके बाद मिक्सिंग। इसके बाद एक और इंग्रेडिएंट इसके अंदर जाएगा और जिससे आपके फेस पे शाइन आएगी, आपका फेस स्मूथ होगा। तो बाकी इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। मैं जब तक इसको मिक्स करती हूँ, हम करते हैं कुछ अच्छी अच्छी सी बातें। मुझसे बहुत सी पूछ रही थी कि आप कैसे गए नीचे, पाँव से चल के, टांगों से चल के, सीढ़ियाँ उतर के। जो मैं नीचे इसलिए गई, ऊपर एक रूम था, जगह तंग हो रही थी और नीचे भी मेरा रूम था। मैं आप लोगों को पहले कितनी दफ़ा मैं मेंशन कर चुकी हूँ ये बात कि मेरा थोड़ा सा सामान नीचे ही था, मेरे पास सोफे वगैरह सारे नीचे थे। ये सोफ़ा इसलिए नीचे नहीं गया क्योंकि अभी तक टाइम ही नहीं लगा, और ये अलमारी इसलिए नहीं नीचे गई क्योंकि ये बहुत भारी है और इसे ले जाने के लिए कम से कम 4-5 बंदे चाहिए, और चली जाएगी ये भी, चली जाएगी नीचे, सारा कुछ आहिस्ता आहिस्ता चलेगा। आप इसकी सुन लें, सुनाओ अपनी क्या कहना है बबलू। तो अच्छा ये हो गया है टोटली मिक्स, ये देखें नजर आ रहा है आपको कितना पेस्ट सा बन गया इसका। इसको मैंने अपने फेस पे अप्लाई करना है, बट इसके अंदर एक और चीज जाएगी, वेट इसे इसको कर लिया मैंने साफ। अच्छा अब मैं इसके अंदर ऐड करने वाली हूँ टिन कॉफी, नो ये कॉफ़ी नहीं है, बल्कि कॉफ़ी के जार में मैंने इसके अंदर हनी रखा हुआ है, शहद। इसके अंदर मैं ऐड करने वाली हूँ हनी। हनी आपके फेस पे बहुत ज़्यादा ग्लो लेके आता है, आपके फेस पे शाइनिंग लेके आता है हनी, इतना आपने जो है वो हनी इसके अंदर ऐड कर लेना है, ठीक है। हनी हमारे फेस के लिए बड़ा अच्छा होता है, ये देखिए, ठीक है। इसका कलर देखें आप, कलर इसका हो गया है, थोड़ा सा चेंज हो गया है। अच्छा ये पेस्ट आपने वीक में कम से कम 2 दिन तक लाजमी लगाना है। समर आ रहा है, गर्मी आ रही है, तो गर्मियों में लाजमी आपने 2 दिन तक तो लाजमी इसको अपने फेस पे जो है वो अप्लाई करना है वीक में 2 दिन, और विंटर में आपने सिर्फ इसको 1 दिन तक ही अप्लाई करना है। ये देखें मैं इसको हाथों से भी मसल के आपको दिखा देती हूँ। चावल को थोड़ा सा बॉयल कर लें, उसके बाद इसको अच्छे तरीके से हाथों से पीस लें, जैसे आपको ठीक लगता है वैसे कर लें, और ये देखें क्या स्मूथी ज़बरदस्त सा पेस्ट बन गया इसका, ठीक है। अच्छा नाउ अप्लाई, अब मैं इसको अप्लाई करने वाली हूँ अपने फेस। अच्छा आपने ट्राई करना है
कि आज आप इसके फेस पे अप्लाई कर रहे हैं तो ये नीचे ना गिरे, आपके फेस पे ही टिका रहे। अब देख सकते हैं आप जो पानी था ना, जो उबला हुआ चावलों का जो पानी होता है वो मेरे फेस पे लग रहा है, अगर आपको नजर आ रहा हो, है ना। अच्छा, आप लोगों एक चीज नोट कर रहे हैं कि फेस पे मेरे जो है पानी एक मास्क सी की जो शीट की तह सी होती है वो लगती जा रही है, ये देखें, है ना। ये कौन सी, ये है उबला हुआ जो हमारा पानी होता है ना चावलों का, वो डार्क सर्कल के इर्द गिर्द यहाँ पे लाजमी अप्लाई करें। अच्छा, जब आप इसको अप्लाई कर रहे होंगे ना अपने फेस पे, आप लोग देखेंगे इतना स्मूथली आपके फेस पे अप्लाई हो रहा होगा ना, लुक ऐसे लाइक ऐसा मजा आ रहा होता है ना इसको अप्लाई करने में, ये ठीक है। इसको आप अपने हाथों पे अप्लाई, पाओ पे नहीं अप्लाई करना, हाथों पे जरूर अप्लाई करें इस फेस को, ये देखिए। अच्छा, अब मैंने इसको अपने फेस पे जो है कम से कम 10 मिनट तक लाजमी अप्लाई कर लूंगी, जब ये ड्राई हो जाएगा तो देन मैं इसको रिमूव कर दूंगी, धो दूंगी। पहले इसकी सुन लो, 10 मिनट के बाद मैं इसको धो दूंगी, ठीक है। उसके पहले मैं अपने हाथों पे भी इसको अप्लाई कर सकती हूँ, ये देखिए क्या जबरदस्त स्किन हो जाती है इसको अप्लाई करने से, चेक करें आप, ये देखिए, ये देखिए। ओके जी, यहाँ पे 10 मिनट हो चुके हैं और मैं नाउ आपके सामने जो है अपने फेस को वॉश करके आती हूँ, ये देखें, ये थोड़ा सा मूव, ये जब ये स्किन ऐसे हो रही है ना, चिपक रहा हो आपका हाथ, इट्स मीन ये आपका हो चुका है रूफ, स्किन टाइट सी होना स्टार्ट हो जाएगी आप देखेंगे, और इसको फिर आपने वॉश कर लेना है, ज़्यादा नहीं लगाना कि मतलब स्किन इतनी ज़्यादा टाइट हो जाए, इतना ज़्यादा नहीं करना। नाउ मैं आप लोगों के सामने जो है अपने हाथों को वॉश फेस को मैं वॉश करके आई हूँ। शाइन आप देखें, इतना शाइनिंग होता है ना फेस, मतलब स्मूथ, स्मूथनेस चेक करें फेस की, ठीक है, बहुत अच्छा रिजल्ट है। तकरीबन आपने इसको तकरीबन जो है ना फेस मेरा अपने फेस पे तकरीबन 4 से 5 दफ़ा अप्लाई करना है, देन उसके बाद आप लोगों की स्किन जो है वो इतनी स्मूथी और इतनी शाइनिंग हो जाएगी ना, आप देखेंगे रिजल्ट आपको पहले 2 दफ़ा में ही मिल जाएगा। आपने वीक में 2 दफ़ा लाजमी इसको अपने फेस पे अप्लाई करना है मास्क को, और वीक में सिर्फ 2 दफ़ा अप्लाई करना है, और फिर जब नेक्स्ट वीक अप्लाई करेंगे आपको चौथे रिजल्ट में आपको आपकी स्किन का ना आपको खुद ब खुद हमें ना फील होने लग जाता है जब हम पहली दफ़ा में कोई ऐसी चीज़ यूज़ करते हैं ना। देख सकते हैं आप मेरे हाथों का रिजल्ट। अच्छा, अगर आप पहले देखें काफ़ी मेरे हाथों पर मतलब अजीब से दाग से बढ़ गए थे, ब्लैक फेस मेरा बहुत ज़्यादा डल हो गया था, बट नाउ इट्स मतलब ज़बरदस्त। ये एक बहुत बड़ी इंडियन यूट्यूबर है, उनका था तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूं, मैं ऐसे ही इसका क्रेडिट ले लूं, बट ये किसी इंडियन यूट्यूबर का था, उन्होंने अपने पेज पे बताया था, उनका नाम मैं ऐसे मेंशन करूंगी भाई अभी। तो ये है कि मैंने कहा चलें आप लोगों के साथ लाजमी मैं इसको शेयर करती हूँ, और ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, कॉमेंट्स में लाजमी बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, हमारी वीडियो कैसी लगी आपको, और लाजमी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। चलो इन्हें बोलो बाय 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 बाय, ओके, आई लव यू, टेक केयर।